हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद हेमा। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये जुकनी नाम की ऐसी सब्जी है जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक होती है। वैसे तो इसको कद्दू भी कहते हैं, मार्केट में जब आता है ना तो ये ग्रीन कलर का आता है, लेकिन आज हमें ये येलो कलर का मिल गया और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इसकी जो भी रेसिपी बनाई जाती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको जुकनी भी कहते हैं, तोरी, तोरई, नेनुआ, कई नामों से जाना जाता है, लेकिन मोस्टली लोग इसे कद्दू कहते हैं और कद्दू के नाम से ही मार्केट में मिलता है। आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए क्योंकि जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए इन कद्दू को हम पहले छील लेंगे। तो आप किसी भी पीलर की मदद से, चाकू की मदद से इसके जो छिलके हैं इसको हटा दीजिए और बहुत ही आसानी से छिल जाता है। इसका छिलका बहुत ही पतला होता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए, इसको हमने छील लिया है और ऊपर का जो डंठल है और नीचे का बॉटम है इसका, इसको हम काट के हटा देते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला कद्दू भी छील लेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में बनी हुई बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका लाइक और कमेंट तो एकदम फ्री है, तो वो तो बनता ही है। तो चलिए, हमने इन कद्दूओं को छील लिया है। अब देखिए, बीज से भी हमने काट लिया है, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। अगर बीज होते तो इसके बीज को हम हटा देते हैं, लेकिन ये बहुत पतले हैं, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है। तो अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने के लिए हमें लेना है ग्रेटर, तो हमें ये मोटा वाला जो ग्रेटर है ना उससे करना है, महीन वाले से नहीं करेंगे। अगर मोटे वाले से करेंगे तो इसके जो लच्छे हैं ना वो बहुत अच्छे आएंगे। तो बस इस तरीके से हमको ग्रेट कर लेना है। देखिए इसके लच्छे कितने बढ़िया आ रहे हैं। और अगर महीन वाले से करेंगे तो रेसिपी में ये एकदम मैशी मैशी से हो जाएंगे, तो उसकी जो डिश बनेगी वो कम अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, हमने दोनों कद्दूओं को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो उसके लिए हमने चढ़ाई है गैस पे कढ़ाई, उसमें हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। घी मेल्ट हो गया है और इसमें जो हमने कद्दू को घिस करके रखा है इसको हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। तो हमको इसको इतनी देर तक भूनना है कि जो हमारा कद्दू है ये पक जाए। तो करीब 80-90% ये कद्दू पक जाए तब तक इसको हमें भूनना है। तो इतना करने में बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ही ये कद्दू अच्छे से भुन जाता है और पक भी जाता है। तो ये देखिए, कद्दू हमारा जो है वो भुन गया है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है और ये पक भी गया है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप दूध लिया हुआ है और पूरी मलाई वाला दूध लिया है। मलाई वाला दूध डालने से ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। को हम अब इसमें पकने देते हैं। तो इसको देखिए, पकते पकते 5 मिनट हो गए हैं, कद्दू दूध के साथ में पक गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मावा। तो मावा हमने 4 से 5 टेबल स्पून लिया हुआ है, तो इसको डाल देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप सूखा पाउडर जो दूध का आता है आप उसको 4-5 चम्मच डाल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप दूध की मलाई थोड़ी और ज़्यादा डाल दीजिए, बस इस खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हमने मीठे के लिए इसमें 5 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो थोड़े हमने काट के ड्राई फ्रूट को डाला है और बाकी के जो ड्राई फ्रूट हैं उनका हमने फ्लैक्स बना के डाला है। तो ये फ्लैक्स वाला ड्राई फ्रूट जब हम बना करके डालते हैं तो उसमें खीर में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और खीर बन करके तैयार हो गई है। लेना है एक चिमचा और चिमचा सभी के घरों में होता है, तो उससे हमको इसको थोड़ा सा मैश कर देना है। जब हम मैश कर देंगे तो ये कद्दू और दूध के साथ में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और देखिए, 2-3 मिनट में अच्छे से मैश करने के बाद ये कितना सा बढ़िया सा मैसी मैसी सा हो गया है और ये खीर बन करके एकदम तैयार हो गई है। तो देखिए, इसको हम ठंडी होने के बाद आपको दिखा रहे हैं ये कितनी बढ़िया थिक सी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो गाइज, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।